अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में जो लोग भी बूस्टर डोज लगवाकर सऊदी अरबी आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि WHO की तरफ से कुछ अपडेट आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बूस्टर डोज क्या होता है, जैसा कि जो लोग भी अपने देश में चाइना का वैक्सीन लगवाए हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि जो लोग भी आना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें क्वारंटीन न होना पड़े, तो आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल किया गया है उसमें से एक वैक्सीन लेना पड़ेगा। उसमें से एक वैक्सीन आपको ज्यादा लेना पड़ेगा अगर आपने अपने देश में चाइना का वैक्सीन लगवाया है जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं है। तो आपको एक वैक्सीन फाइजर का या मॉडर्ना का या एस्ट्राजेनिका या जॉनसन का लेना पड़ेगा। तो यानी तीन वैक्सीन कोरोना वायरस का आपको लेना पड़ेगा, तभी आप सऊदी अरबी आएंगे, तो आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसके हवाले से WHO की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और जैसा कि UAE गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर दिया है कि अगर जो लोग भी बूस्टर डोज लेना चाहते हैं, यानी जो नया वायरस है डेल्टा वायरस, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन सऊदी अरबिया में अभी तक इस वायरस का कोई भी नाम और निशान नहीं है, इसलिए UAE गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग भी बूस्टर डोज लेना चाहते हैं तो 3 महीने के बाद ले सकते हैं। लेकिन WHO की तरफ से ये अपडेट आया है, जो लोग भी बूस्टर डोज लेना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर रोक लगाया जाएगा और सितंबर के लास्ट महीने तक इसको बंद किया जाएगा। WHO की तरफ से ये खुले तौर पे कहा गया है कि सितंबर महीने के लास्ट तक इसको बंद किया जाएगा, ये मांग उठ रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या होगा नहीं होगा बाद में इसके ऊपर अपडेट आएगा, लेकिन इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। तो आप लोग बूस्टर डोज लेना अभी से बंद कर दे, क्योंकि WHO ने कहा है, तो हो सकता है इसमें कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो आप लोगों के ऊपर ये फैसला है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग भी सऊदी अरबी आना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिया है, आप भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग भी आना चाहेंगे बाद में उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा, जैसा कि जो वैक्सीन अप्रूवल नहीं है तो आप कैसे आ सकते हैं। और UAE गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, जो लोग भी इंडिया से दुबई आएंगे तो उनको 10 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा, यानी जो दुबई के शहरी हैं उनको किया जाएगा। आप लोग जाएंगे तो आपको नहीं किया जाएगा अगर आपने डबल डोज वैक्सीन लगवा लिया है। और जो लोग भी सऊदी अरबिया से अपने देश छुट्टी पे गए हैं, अपने देश जाकर फंस गए हैं, उन लोगों का सवाल मेरे पास आता रहता है कि भाई हमारे पास तवक्कलना नहीं है, किस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर भी है और एकामा भी है। अगर आपके पास एकामा है, मोबाइल नंबर चालू है, तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए, उस पर नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप सऊदी के किसी नंबर से अपडेट करवा सकते हैं, वहां पे सर्टिफाइड नंबर जो तवक्कलना में किसी अपने दोस्त यार का तवक्कलना में जाकर अपडेट करवा लें, वहां पे सेट करवा लें, उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास एकामा है, मोबाइल नंबर नहीं है, फिर भी आप अपने तवक्कलना को ओपन कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त को या जान पहचान वालों को जो सऊदी अरबिया में रहता है उससे बात करें। अगर उसका कोई और नंबर है जिसपे तवक्कलना नहीं बना है, उस नंबर से आप तवक्कलना को अपडेट कर सकते हैं, यानी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने एकामा नंबर से और जो मोबाइल नंबर अपने दोस्त यार के जरिए एक्टिवेट करवाया है, उस नंबर के जरिए अपना तवक्कलना बना सकते हैं, ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर आपको फुल जानकारी चाहिए तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट ज्यादा आया तो बना दूंगा, करके दिखा दूंगा किस तरह से यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बाद अपने देश में तवक्कलना को ओपन कर सकते हैं, आपके पास एकामा है तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छा लगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं।